हम नर्सरी में पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हो मेरे पीछे है नर्सरी। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कितने में हमें ट्री प्लांट मिलेंगे। जो ट्री हमें लेना था वो ट्री यहाँ पे मिला नहीं। वैसे अशोक का और अर्जुन का और बरगद का भी यहाँ पे अवेलेबल है। पहले एक नर्सरी और देख लेते हैं, अगर हमें वहाँ पर भी पारिजात नहीं मिलता तो फिर यहाँ से हम अशोक का या फिर एक अशोक एक बरगद का पेड़ ले लेंगे और फिर हम जगह देख के वहाँ पे लगा देंगे। तो पानी पानी भर चुका इधर तो निकल रहे हैं। आए तो यहाँ पे देख रहे हैं, अभी वो पूछ रहे हैं। तो रूट्स नर्सरी के नाम से है। तो गाइस हमें यहाँ पे पारिजात का ट्री मिल चुका है, तो आपको दिखा देता हूँ किस तरह का होता है पारिजात का ट्री। और इनकी जो एज होती है कम से कम 1000 साल से भी ज़्यादा होती है, आप देख सकते हो। और इसमें ना वाइट और अंदर से पिंक कलर के फूल होते हैं जो मंदिरों में और भगवान पे काफ़ी ज़्यादा चढ़ाए जाते हैं, आप देख सकते हो। बाकी आपको यहाँ की नर्सरी दिखा देता हूँ। अंदर नर्सरी के नाम से खोला है और मेनली हमने सिरेमिक पॉट्स स्टैंड्स और जात के हमने प्लांट ले लिए हैं। और देखिए हम अभी इन्हें लेके जा रहे हैं। चलो मैं खोल देता हूँ। तो गाइस हमें जगह मिल गई है पेड़ लगाने के लिए। तो यहाँ पे देखो साफ सुथरा किया हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे माली डेली आता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी है और जो पेड़ है दो ले चलते हैं यहीं पे, है ना। तो हम दो प्लांट यहाँ पे कर देंगे पारिजात का। ये है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, तो यहाँ पे ट्री लगाएंगे तो ये वाला तो लोगों को लगेगा भी कि हाँ। आप अभी 2-3 दिन पहले वो उधर दिखे थे, तो सर मिले हैं हमें जो हमारी हेल्प कर रहे हैं। सर इधर से ओके हाई कर दीजिए अंकल जी एक बार। तो यहीं पे अभी ट्री प्लांटेशन करेंगे अभी हम। क्षितिज लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा आपका ये ट्री प्लांटेशन का? हाँ बोल सकते हैं। ओके ठीक है, पहले किया है लेकिन ऐसे पर्पसली नहीं। पर्पसली ओके। तो क्षितिज भाई भी हमारी काफी हेल्प कर रहे हैं, तो क्षितिज भाई को बहुत बहुत थैंक यू। क्षितिज जी लगा रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि हम ट्राई करते हैं इधर पहले फिर दूसरा अपन कर देंगे। पॉइंट ऑन ना पड़ेगा अबे तू नहीं, अबे कोई नहीं डाल ले। नहीं नहीं वैसे गीला ही है, बारिश काफी हो रही है। और
गाइस, दो प्लांट हमने वहाँ पे लगा दिए थे और अब दो जो प्लांट हैं वो इस पार्क में लगाएंगे। भैया ने बोला था कि दो प्लांट यहाँ पे लगा देना है, जिसके केयर हम कर सकते हैं। और भैया ने बोला कि अभी जगह देख रहे हैं कि कहाँ पे लगाना है, तो देखते हैं यहाँ पे कहीं लगाएंगे। हाँ, तो बस हम लोग दो प्लांट लगा के दो लगा रहे हैं। तो हम आ चुके हैं, भैया से मिल सकते हो भैया एक बार, थोड़ा इंटर हो जाए। तो हाँ जी, हम साकेत नगर में हैं, भोपाल के एक नगर है साकेत नगर, जो नियर अबाउट हबीबगंज स्टेशन, पहले था नाम उसका, अब उसका नाम कमलापति हो चुका है। उसके नियर हमारा घर बना हुआ है। ये मोहल्ला है हमारा शंकराचार्य खेल मैदान, नियर मेट्रो की लाइन निकल रही है यहाँ से। और हम लोग यहाँ पे पारिजात का पौधा लगा रहे हैं, जो ऐतिहासिक समय से बहुत महत्वपूर्ण रहा है और पौराणिक ग्रंथों में भी इसका बोध है, जिसके अनुसार ये समुद्र मंथन से निकला था। ओके। है ना, और समुद्र मंथन से निकला है और इसका बहुत आयुर्वेदिक यूज़ भी है। और दुनिया का सबसे पुराना पारिजात का पौधा जो कहते हैं पेड़, वो है यूपी में। ओके। लगभग 7000 साल पुराना है ना, तो इसलिए हम लोग पारिजात लगा रहे हैं यहाँ पे, तो इनके पिताजी की याद में। याद, तो भैया ने ही मुझे सजेस्ट किया था ये ट्री, तो अब हम लगा रहे हैं। अभी जगह हमें मिल गई है, दो प्लांट्स तो हमने यूनिवर्सिटी में लगा दिए, दो प्लांट्स यहाँ पे लगाएंगे। अभी भैया करें यहाँ पे लगाते हैं, तो वेट करते हैं। वहाँ पे है अपने यूपी में, कौन सी जगह नाम भूल जाता हूँ उसका, बहुत फेमस जगह, बड़ा पेड़ होगा वहाँ। और बहुत जो फोटो दिखा रहे हैं। हाँ, वही है। अब तुम स्टार्ट करो, चालू हो के अंदर आ जाओ। नहीं, आप लगा रहे, आप तो लगा रहे। पानी की डालने की जरूरत नहीं है।